अभी बच्चे कर रहे हैं आप किधर हैं? अच्छा ये बच्चे का फोन। अच्छा तो वो से कहो ड्यूटी नहीं कर रहा, क्या करूँ तुम लोगों के लिए कमा रहा हूँ ना। हाँ मजबूरी इंसान की, घर के दरबार बंदे का दिल करता है कि प्यार में रिजक मिले और घर बंदा बैठ जाए। तो अभी मेरा नंबर भी आया सर किसी का क्या? नंबर क्या घर वाले को क्या? वो इस तरह था कि वो वाइफ निकाल किए कि दो औरतें दरवाजे पे आई हैं, तो वो एक कश्मीरी बाबा है उसका नंबर मांग रही हैं आगे ताकि उनको। हाँ तो मैंने कहा भाई ठीक है, ये मेरे ख्याल में जेन्युइन थी जो भी था, लेकिन मैंने कहा जो अपने लोग ना हो ना, मैं हूँ या मेरे भाई बहन ये सारे, दरवाजे पे पूछना, अगर हम नहीं है तो फिर कभी ना खोलना, जो भी औरत हो तो भाई कोई औरत आए अंदर और आपके ऊपर कपड़ा रख के नशा कर दे इसी तरह सर, और उसके बाद दो मर्द निकल आए और सारी सामान लपेट के बाहर चला जाए इसी तरह। हाँ। शहरों में तो मतलब कोई किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, बंदा कहता है शहर में कोई मेहमान होंगे नहीं। देखो शहरों में अब मेरे साथ इधर कौन है, मेरे चाचा मामा कोई इंसान नहीं है इधर, कोई बंदा नहीं है। ठीक है वो सामने वाले बंदा एक दो बंदे रह रहे, उनसे सलाम दुआ ही नहीं होती, वो गरीब सुबह सवेरे निकल जाता है अपनी मजदूरी करता है करीम चलाता है। अच्छा। ठीक है और रात को ही आता है, वो होता ही नहीं। अच्छा। उसकी बीवी भी जॉब करती है ऊपर पोर्शन पे रह रहे हैं। अच्छा। और मतलब है यकीन मानो शहरों में जिंदगी का ये बहुत बड़ा खतरा है, आपको कोई इमरजेंसी बीमारी कुछ भी आ जाए तो फिर कोई इंसान आपके साथ नहीं है इधर, बस जिसके साथ थोड़े तलक होंगे। हाँ वो क्या इधर मेरे अब ये कोने में घर है उसमें लोग 6 महीने साल बाद चेंज हो जाते हैं, उसके साथ क्या ताल्लुक होगा क्या है? अच्छा ये कोने वाले भी किराए वाले? ये कोने वाले ऊपर एक बंदा आया हुआ है दाढ़ी वाला उसको। अच्छा। ये मेरे 6 महीने हुए होंगे। अच्छा। हाँ उसको नीचे फिर होटल वाले थे वो भी गायब हो गए। अच्छा। अब ये सामने एक नीचे एक पठान रहता है जी, उनको मैं देखती हूँ किस टाइम आते हैं किस टाइम जाते हैं बस वो अपने काम वाले। हाँ और वो ऊपर वाला भी एक बंदा उसकी बीवी काम सेट में जॉब कर रही है बस सारे अपने। और बंदा जो बंदा शहर में आया हुआ था कमाने के लिए कोई इस तरह ना अपने काम में तो वो इधर तो बड़ा देखो वो उस्मान कभी इसी तरह ऐसी अच्छी जगह पे घर था लोग थे मैं देखा है। हाँ और घर है उसके साथ? घर तो है देख ले फिर। और देखो आजकल तो पिंडी इस्लामाबाद में वारदात किस तरह होती है, अभी आप इधर खड़े होंगे मोबाइल हाथ में तो मोटरसाइकिल वाला गुजरेगा मोबाइल छीन लेगा आपसे। इसी तरह मतलब गाँव में भी आजकल यही हो रहा है, दिन को मतलब पता है औरतें हैं मर्द अपने अपने कामों पर भी जाते हैं दस्तक की औरत होगी ये कहने मतलब मैं बहुत मजबूर आ पता नहीं मैं रोटी दे दे थोड़ी बंदा तरस खा लेता है यार उसने खाना मांगा मैं पैसे में। वो कल मैं बहन के घर गया था तो वो कुछ एक बात कर रही थी, वो बहन कह रही थी कि वो पिछले को दरवाजे पे कोई एक और दो औरतें आई हैं तो उस टाइम मैं अकेली थी तो मतलब मैं कह रही थी कि भूखी हूँ ये वो, तो मैंने घर में ना जो भी कुछ फ्रूट और जो भी कुछ था उनको दे दिया। अच्छा। मैंने कहा ये आपने अच्छा किया है लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इधर वाकयात क्या होते हैं। मैंने कहा मुझे 15 साल हो गए इधर और मुझे पता है मैं ये सारे वाकयात सुनता रहता हूँ रोज़ाना, तो ठीक है ये लेकिन अगर ये फकीर ना होता और आके उसे तुम्हारे मुँह पर रुमाल रख के बेहोश करे और घर से सारा सामान निकाले तो इधर तो होते ही नहीं, कोई कौन करेगा, लोगों को पता चलते चलते मर्द तो सारे निकले होते हैं बाहर ना दिन को, अगर औरत है वो चीख मार भी दे तो क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं अपने घर पर कोई चीख मारेगी तो कोई भी नहीं कहना हमसाया कोई भी नहीं जाता, कोई इकट्ठा होगा भी तो फिर तो मैंने कहा ये तुम भूल जाओ इधर नेकी शेकी का तुम भूल जाओ ये तो
नेकी का बस दौर ही नहीं रहा है सर। नहीं नेकी का दौर नहीं रहा बाप, बिल्कुल ये नेकी करोगे उल्टा मुसीबत डाल डालोगे, बिल्कुल मुसीबत डालोगे, हमेशा यही होता है। नेकी का समय जो है ना वो जमाना ख़त्म हो गया। मैंने जब भी किसी ने मुझे कहा कि यार कोई मुझे मजबूरी है या कर्ज दे दो, या उसने जलील किया है मुझे आगे कर, हमेशा जलील ही किया है। जमाना ही नहीं रहा है कि किसी के साथ कोई नेकी करे। इस दौर ने बंदे को सबक सिखा दिया है कि नेकी नहीं करनी है किसी के साथ, किसी के लिए भलाई नहीं करनी है। हाँ, नुकसान नहीं पहुँचाना लेकिन नेकी भी नहीं करनी, बस सब अपने साइड पर रहो। मैं खुद बच्चों को यही गार कहता हूँ कि मतलब किसी को ऐसी को लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना है कुछ जिससे मतलब वो दूसरों दे के जाए। हाँ, इस तरह ये भी नहीं करना है कि किसी के साथ नेकी करके अपने गाल मुसीबत डाल। हाँ, दरवाज़ा नहीं खोलना है बस, ठीक है यार। कितनी इतनी दफ़ा मेरे साथ हो चुका है कि सोच है आपकी, बस मैंने फिर यही कहा कि अभी जो अच्छा बंदा होता है उस पर भी बंदा फिर ट्रस्ट नहीं कर सकता। हाँ, कोई पता नहीं चलता ना जिंदगी में, तो बहुत से लोग आते जाते हैं। किसी के साथ देखी को इस जमाने में अपने गले में ठंडा डाल दिया। कोई बंदा अपने काम काज में लगा रहता है, मुसीबत में फंसा होता है।